नमस्कार दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हम कैसे बचे सर्दी और खांसी से, कैसे बचे कफ कोल्ड और कोराइजा से, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर्दी की, खांसी की, और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो बच्चों को कैसे बचाएं सर्दी से, खांसी से, जो बार बार सर्दी खांसी उनको होती है और फिर बाद में कभी कभी निमोनिया या हकरा चलने लगता है या उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों में ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और बड़ों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिसको फॉलो करने से, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये कफ नहीं बनेगा, और बच्चों को अगर आप फॉलो कराएंगे तो उनको सर्दी खांसी बुखार नहीं होगी सर्दियों में। और फिर उसके बाद मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसको अगर आप बच्चों को देंगे या आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है सर्दी खांसी और कफ बनने की तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो कुछ ऐसी मेडिसिन और बताऊंगा जिसको यूज़ करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सर्दी खांसी की सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टिप्स के बारे में कि कौन कौन सी टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला टिप है दोस्तों कि आप हमेशा गर्म रहें, गर्म कपड़े पहने, ऊनी कपड़े पहने, शॉल वगैरह ओढ़ें जिससे आपको सर्दी ना लगे। तो दूसरी टिप ये है कि आप 2 गिलास सुबह सुबह गुनगुना पानी पिएं। उससे ये होगा दोस्तों कि सबसे पहले सर्दियों में कब्जियत की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो 2 गिलास गुनगुना पानी अगर आप पिएंगे सुबह सुबह उठ के तो आपको कब्जियत की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जो सुबह सुबह उठते हैं और हल्का सा कफ रहता है गले में, हल्का सा कफ रहता है हमारे नाक के अंदर, तो ये चीज़ जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से आपका कफ जो है वो ठीक हो जाएगा सुबह सुबह उठने के बाद, जो कफ बना रहता है वो। साथ ही साथ दोस्तों आपको थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, गुनगुना पानी पीने से बॉडी के अंदर थोड़ी सी गर्माहट आएगी दोस्तों। तीसरी टिप ये है दोस्तों कि अपना हाथ जो है वो अच्छे से आप धोएं, कभी भी गंदे हाथ से खाना ना खाएं, क्योंकि अगर बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो फिर हमें सर्दी और खांसी हो जाती है। तो अपना हाथ जो है वो अच्छे से धोएं, कभी भी गंदे हाथ से दोस्तों खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बच्चों को भी ये ध्यान दिलाना चाहिए कि वो अपना हाथ अच्छे से धोएं, और बच्चों का हाथ जो अपना हाथ खुद से नहीं धो सकते तो आप उनका हाथ धुलवाएं अच्छे से कम 2 से 3 घंटे में एक बार नॉर्मल पानी से ही हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को खासकर वो अपना हाथ मुंह के अंदर डालते रहते हैं, नाक के भी अंदर डालते रहते हैं, फिर मुंह के अंदर डाल लेते हैं, तो ये सब से वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो हाथ जो है वो अच्छे से धुलवाना चाहिए बच्चों का, और ख़ुद भी हाथ अच्छे से धोना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टिप्स, अब चलते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि आपको बचा सकती है सर्दी और खांसी से ठंडी में। तो दोस्तों वो मेडिसिन है इचिनेशिया। इचिनेशिया मदर टिंचर के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, तो वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप इचिनेशिया मदर टिंचर के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। दोस्तों इचिनेशिया इम्यून पावर को बढ़ाती है बच्चों में भी और बड़ों में भी, खासकर दोस्तों ठंडी में जिनको ठंडी लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए इचिनेशिया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और इचिनेशिया को आप मदर टिंचर में लेंगे, आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के सुबह शाम लेना है। इसको आपको दोस्तों पूरी ठंडी लेना है, इससे आपकी सर्दी और खांसी नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों ये हो गई प्रिवेंटिव मेडिसिन। अगर आपको प्रिवेंशन करना है सर्दी खांसी से ठंडी में तो मैं आपको मेडिसिन बता दिया हूँ। अब चलते हैं अगर आपको सर्दी हो गई या खांसी हो गई ठंडी में तो क्या मेडिसिन लेना है। दोस्तों जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और ठंड हमें लग जाती है तो हमें सर्दी हो जाती है तुरंत, और इस कंडीशन में एकोनाइट हमें लेना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। एकदम से सर्दी हो जाए, बच्चे बाहर निकले और बिल्कुल नाक बहने लगे, एकदम से सर्दी हो जाए, एकोनाइट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। एकदम से सर्दी हो जाती है, सरद गर्म एकदम से लग जाती है, तो एकोनाइट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चों को 1 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप देंगे, सर्दी में तुरंत आराम लग जाएगा। जैसे ही आप एकोनाइट पिलाएंगे वैसे ही दोस्तों उनको आराम लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है सर्दी में एकोनाइट दोस्तों। अगर बड़ों को होती है तो यही आपको 2 बूंद पिलाना है, 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। और दोस्तों सर्दी में नाक बहने के साथ साथ अगर छींक भी आती है बच्चों को या बड़ों को तो आप कालीबिच 30 और एलियम सीपा 30 लिख लीजिए, और मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगा। कालीबिच
ठेठी और एलियम सीपा ठेठी दीजिए दो दो बूंद दिन में 3 बार बड़ों को, और एक एक बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग में देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कालीबीज ठेठी ली है और डायरेक्टली टंग पे 2 बूंद लूँगा अगर मैं बड़ा हूँ, 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगर मैं छोटा हूँ तो 1 बूंद दिन में 3 बार छोटे बच्चों को देना है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों एलियम सीपा ठेठी। अगर आपके नाक बहे या बच्चों की नाक बहती है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है एलियम सीपा ठेठी। अगर नाक बहने के साथ साथ छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं तो कालीबीज ठेठी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। दोस्तों सर्दियों में सर्दी के लिए एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 5 नंबर भी आती है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है कोराइजा के केस में, सर्दी के केस में। दोस्तों अगर बच्चों को सर्दी होती है, खांसी नहीं सिर्फ सर्दी होती है, तो कोराइजा के केस में बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आप एलियम सीपा ठेठी और कालीबीज ठेठी के साथ दे सकते हैं, एकोनाइट ठेठी के साथ भी दे सकते हैं। तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन ज़रूर दीजिए 5 नंबर। इसको आप बच्चों में दीजिए 3-3 गोली दिन में 3 बार और बड़ों में दीजिए 6-6 गोली दिन में 3 बार। तो अगर हो सके तो आधे कप गुनगुने पानी ले लीजिएगा, आधा कप गुनगुना पानी उसमें 3 गोली डाल के घोल लीजिएगा। बायोकेमिक अच्छे से घुल भी जाती है। घोलने के बाद दिन में 3 बार उसको पीने के लिए दे दीजिएगा बच्चों को, और बड़ों को 6 गोली दे दीजिएगा दिन में 3 बार। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों सर्दियों में सर्दी के लिए। अब चलते हैं सर्दी से खांसी की तरफ कि खांसी, अगर सर्दी से खांसी हो जाती है बच्चों में या बड़ों में तो क्या मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। दोस्तों बच्चों में इपिकॉक आप देंगे अगर कफ बहुत ज़्यादा जम जाता है सर्दियों में, कफ एकदम से जम जाता है और बच्चे जब सोते हैं तो रात में घर 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 की आवाज़ आती है, घरघराहट की आवाज़ आती है, तो इपिकॉक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है कफ निकालने के लिए। कफ बलगम जो होता है शरीर से निकालने के लिए, और बलगम शरीर से बच्चों में निकल के पेट के थ्रू निकल जाता है, मोस्टली क्या होता है बाहर तक नहीं आ पाता तो पेट के थ्रू निकल जाता है, और इस कंडीशन के लिए इपिकॉक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इपिकॉक आप बच्चों को 6 पोटेंसी में दें, इपिकॉक 6 CH पोटेंसी में दें, 2 बूंद दिन में 3 बार बच्चों को दे, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बड़ों को अगर खांसी हो जाती है और कफ बिल्कुल जम जाता है तो इपिकॉक 30 पोटेंसी में दे, 2 बूंद दिन में 3 बार, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है एंटियम टार्ट, एंटीमोनियम टार्ट ठेठी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर बच्चों को घरघराहट सी आवाज़ सुनाई देती है, स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो बिल्कुल घर 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 कफ बिल्कुल जम जाता है, और ठंडियों में यही होता है कफ बिल्कुल जम जाता है। एंटियम टार्ट ठेठी को आपको 2 बूंद दिन में 3 बार बड़ों को देना है, और एंटियम टार्ट 6 CH याद रख लीजिए, बच्चों को 6 CH देंगे। अगर नहीं मिलती है तो ठेठी दे दीजिएगा, अगर मिल जाती है 2 बूंद दिन में 3 बार एंटीएम टार्ट 6 CH दीजिए। बड़ों को दोस्तों एंटीएम टार्ट 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार दीजिए, खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों मैंने एक बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था आप लोगों को, आप लोग देखे होंगे वो वीडियो, और नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे देता हूँ तो आप देख लीजिएगा। बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है सर्दियों में, अगर खांसी हो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें मेडिसिन डली हुई होती है एकोनाइट 200, हिपरसल्फ 200 और स्पॉन्जिया टोस्टर 200, ये तीनों को मिला के बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये आप नीचे वीडियो में देख लीजिएगा। दोस्तों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बच्चों को आपको देना है 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को, बड़ों को आपको देना है 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को। बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 आती है जो कि खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6। तो इसको भी आप लीजिए, चाहे आप एंटीएम टार्ट लीजिए या इपिकॉक लीजिए या बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन लीजिए अगर आपको खांसी है, और उसके साथ तो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 लीजिए। बच्चों को 3-3 गोली दिन में 3 बार वही गुनगुने पानी के साथ आपको देना है, और बड़ों को 6-6 गोली दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप लेंगे, उसको घोल लीजिएगा और फिर उसको पी लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों खांसी में, खासकर अगर आपको ठंडी में खांसी होती है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक पेटेंट मेडिसिन बताता हूँ, और उस पेटेंट सीरप का नाम है विजाल मिक्सचर, जो कि विजल कंपनी की आती है। विजल कंपनी की विजाल मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों खांसी में, खासकर अगर आपको सर्दियों में खांसी होती है तो विजाल मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। तो मेरे क्लिनिक में मैं हर दूसरे तीसरे पेशेंट को जिनको खांसी की प्रॉब्लम होती है वो विजाल मिक्सचर देता हूँ, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ,
बहुत ही इफ़ेक्टिव सीरप है। तो बच्चों को आपको 3 ml दिन में 3 बार देना है। अगर उनकी उम्र 5 साल से कम है तो 3 ml दिन में 3 बार दीजिए। अगर उनकी उम्र 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 3 बार दीजिए। अगर उनकी उम्र 10 साल से लेकर ज़्यादा है तो 10 ml दिन में 3 बार दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों विजाल मिक्सचर। बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है कफ पे। अगर आपको खांसी होती है, खासकर कफ जो है वो जम जाता है और कफ नहीं निकल पाता है अच्छे से, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कफ निकालने में और खांसी को रोकने में, खांसी को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है विजाल मिक्सचर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सर्दियों में सर्दी खांसी बिल्कुल भी ना हो और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।